जी नमस्कार, बोल बचन चैनल से मैं हूं एहसान कुरैशी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। वो मेरे साथ हैं दुनिया के बहुत बड़े बोल बचन वाले, जवाब सवाल करो अधूरा, जवाब देते हैं पूरा, यानी हमारे बाजू में बैठे हुए हैं रतन नूरा। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। जी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। एक बहुत जबरदस्त फिल्म रिलीज हुई है इस हफ्ते, हाउसफुल जा रही। फिल्म का नाम है टाइगर। अभी हाउसफुल की बात करके गिर रहे हो, तुम खुद तो फुल नहीं हो ना? आपके बाजू में बैठे तो फुल तो रहेंगे। हाँ जी, तो टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर जिंदा है जी, टाइटल ही गलत है। वो कैसे? अरे भाई, फिल्म का हीरो छाती चौड़ी कर करके देश विदेश में डांस कर रहा है और गा रहा है स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो जो स्वैग से स्वागत कर रहा है तो वो तो स्वैगर हो गया, तो फिल्म का नाम होना चाहिए था स्वैगर जिंदा है। अगर आपको टाइगर जिंदा है ही रखना था तो आपको गाना बदलना चाहिए, गाना होना चाहिए था टैग से करेंगे सबका स्वागत, तो टैग करने वाला टाइगर। और वैसे भी ये फिल्म जो है बंगाली में बनना चाहिए था। वो क्यों, बंगाली में क्यों बनना था भाई? इसलिए क्योंकि बंगाल में भाई भाई को दा कहा जाता है। यस, तो जिन जो है जिन को भी वो लोग भाई मानते हैं, तो जिंदा, और वहां का हर आदमी टाइगर, तो वहां ना टाइगर जिंदा है। बहुत बढ़िया, आपके जवाब बड़े स्पेशल होते हैं रतन नूरा जी। हम ये कह रहे हैं इसका मुझे कैरेक्टराइजेशन जो फिल्म का है वो हाँ, पसंद नहीं आया। क्यों? हीरो हीरोइन की तो बहुत तारीफ। नहीं, पसंद नहीं आया। फिल्म का हीरो कौन है? टाइगर। ओके। और हीरोइन कैट हीरोइन है। हमारे पास भी एक कैट है, उसका नाम हमने रीना रखा है, हम उसे प्यार से कैट रीना कहते हैं। कैट रीना क्या बिगाड़ लेगा सलमान खान। अच्छा चलिए, अब हम तीसरा सवाल आपसे करते हैं। ये यही ना कि जैकी श्रॉफ से। यस यस, जैकी श्रॉफ इस पे कुछ अपने बेटे को नसीहत दी उन्होंने। जैकी श्रॉफ बहुत नाराज है आप, क्यों ना हो, है ये भी बाप, चिता भी पिता है। मुझे ये लगता है कि जैकी श्रॉफ को, जैकी श्रॉफ ने अपने बेटे टाइगर श्रॉफ को ये राय दी कि बेटा टाइगर तू भी एक फिल्म बना, फिल्म का नाम होना चाहिए सलमान जिंदा है, क्योंकि वो जब सलमान बना सकता है टाइगर जिंदा है, तो टाइगर को बनाना चाहिए सलमान जिंदा है। अगर ये फिल्म का टाइटल ये ना होता तो क्या होना था भाई? टाइगर श्रॉफ जिंदा है सबको पता, और भगवान करे वो हजार साल जिए। सलमान भाई आप इतने ही बड़े स्टार हो तो आपको ऐसे हीरो के नाम की फिल्म बनानी चाहिए जिस पे लोग अभी भी शक कर रहे हैं कि वो जिंदा है या नहीं। जैसे आपको फिल्म का नाम होना चाहिए सुमित सहगल जिंदा है, अविनाश वधावन जिंदा है, राहुल रॉय जिंदा है, मुकुल देव जिंदा है, तब हम आपको बड़ा स्टार मानते हैं। भाई जी, सलमान खान वैसे इस फिल्म में फिट है इस टाइटल में, क्योंकि कुवारा है, कुवारा है तभी तो टाइगर जिंदा है। कुवारा है तभी तो टाइगर जिंदा है, शादीशुदा होता तो लोग कहते एक था टाइगर। भाई जो भी हो, फिल्म का एक मैसेज बहुत अच्छा लगता है। सलमान जी कहते हैं कि आदमी को मुल्ला पंडित साधु या संत ना होना चाहिए, मुल्ला पंडित साधु ना संत होना चाहिए, बस आतंकवाद का अंत होना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है। आपको पता है सलमान खान को टाइगर जिंदा ऐसे पहले वो एक फिल्म ऑफर हुई थी, फिल्म का नाम था डियर जिंदगी, तो उन्होंने कहा फिल्म तो कर लूंगा लेकिन डियर निकाल दो इसमें से, क्योंकि डियर और जिंदगी एक साथ होती है तो फिल्म हिट एंड रन होती है, हिट भी होती है और चलती भी रन होती है। तो खैर हम उस मुद्दे को, एक मुद्दा मेरे पास भी है, टाइगर जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है, टाइगर जिंदा है मगर 1100, तो 1100 में ये दो लोगों को समझाओ ताकि 1100 टाइगर जिंदा रहे, एक हमारे अन्नू मलिक और दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू। अन्नू मलिक है इसलिए हर जगह शेर मारता रहता है, और सिद्धू जो है शेर मारता रहता है इसलिए उनको प्यार से शेरी कहते हैं। ये लोग दोनों शेर मारना बंद करेंगे तो अंत तक रहेंगे टाइगर जिंदा। चलिए फिर अगली बार किसी और फिल्म की चर्चा करेंगे रतन नूरा जी के साथ, देखते रहें बोल बचन टीवी। हैप्पी न्यू ईयर।